यहाँ पर एक महिला बैठी हैं जिन्होंने विरोध प्रकट किया है, ये बताइए क्या है? आयुषी श्रीवास्तव। ये बताइए कि आपने बाल बनाए हैं, क्या वजह है? हमारी वजह ये है कि हमारी दुकानें तोड़ दी गई हैं और सामने की दुकानें नहीं तोड़ी गई हैं। यही ठीक सामने एक सोनम किन्नर का मकान है जो अवैध है, पूरी साइकिल ट्रक घेर के रखा हुआ है। उसका मकान क्यों नहीं तोड़ा गया? इसलिए कि वो बीजेपी की है। इस वजह से पहले सपा में लूटी खाई, उसके बाद चली गई बीजेपी में। सारा किया धराया सोनम किन्नर का है। लेकिन ये बताइए कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कह रहा है कि आप लोगों को नोटिस दिया गया था, इसके झूठ बोल रहा है। एक नंबर का झूठा है, झूठ बोल रहा है। हाँ, एकदम झूठ बोल रहा है। सोनम किन्नर जैसे से नचाती है वैसे सो नाचता है, चाहे थाने का आदमी हो चाहे नगर निगम का आदमी हो। आप लोगों को क्या कोई नोटिस मिला है इसे? हमें नहीं मिला है, किसी को मिला हो तो मुझे नहीं पता, चूँकि हम गाँव में थे, हम यहाँ थे नहीं। क्या कोई ये आपसे बताया गया था कि हम कार्रवाई करेंगे, आप लोग पहले सामान? हमारे एक शुभचिंतक के माध्यम से मुझे पता था कि नगर निगम, कल हमको फोन आया किसी के पास से कि कल नगर निगम आई थी, 2 दिन का शायद टाइम दे गई है। तो हमने कहा चलो 2 दिन का टाइम दे गई, हम आके देखते हैं, भैया बाबू करके बात करेंगे, अगर मान गई तो ठीक है, नहीं सामान हटा लेंगे अपना। हम यहाँ आए तब तक देखे मकान टूट, ये दुकान पूरा टूट चुका था।